Hello student, in this video we will try to understand your second chapter, that is constitutional design in democratic politics, first class 9th. Okay, but in this video we will try to understand only four dimensions of your introduction chapter, that is introduction of constitutional design and democratic constitution South Africa. ठीक है, स्मॉल कंट्री, ए स्मॉल इट मीडियम कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका कंटिनेंट, इन साउथ इट साउथ अफ्रीका, एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड. अपार्थेड इट मीन्स रंग भेद. अपार्थेड इट मीन्स रंग भेद, रंग भेद. डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेसेज, ओके, बेस्ड ऑन कलर ऑफ पीपल, बेस्ड ऑन कलर ऑफ पीपल टुवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इंट्रोडक्शन. इन फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है और क्या, किस तरीके से उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में प्ले होता है. ठीक है, हम इस चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ना चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत तो ठीक होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स के अंदर की चीज़ें क्या होती हैं, और उसका एग्जांपल हम अफ्रीका के केस स्टडी और अफ्रीका के उस इवेंट्स को, उस प्रोसेसेज को हम थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, और फिर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम टोटल पढ़ेंगे. ठीक है, कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एंड हाउ मच टाइम इट वाज टेकन एंड व्हेन, ओके, क्या क्या थे, क्या प्रोसेस थे, कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, क्या कैसे, सब कुछ पढ़ेंगे. अब देखिए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. ओके, एक्चुअली लगभग जिस तरीके से सिमिलरली, जैसे कि हमारे यहाँ ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन कर रहे थे भारत में, जैसे ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे थे, वैसे सिमिलरली अफ्रीका में भी ब्रिटिश का शासन था, डच लोगों का शासन था, डच भी थे, तो एक वहाँ पर बहुत भेदभाव होता था. ठीक है, जैसे भारत में भेदभाव था, तो एक्चुअली जो नेटिव अफ्रीकन्स हैं, दे आर ब्लैक इन कलर, दे आर टोटल ब्लैक इन कलर, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो. तो वो उनके लिए सेपरेट टॉयलेट, सब कुछ सेपरेट, टॉयलेट, पब्लिक प्लेस, होटल, रेस्टोरेंट्स, बस, पार्क, सब कुछ सेपरेट. वो कहीं जो वाइट कॉलोनीज होती वहाँ पर भी ब्लैक लोग नहीं जा सकते थे, इतना डिस्क्रिमिनेशन था. गवर्नमेंट में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था. ठीक है, काफ़ी लोग प्रोटेस्ट किए, और वहाँ पर दो तरीके के लोग थे, नेटिव अफ्रीकन जो थे वो एकदम ब्लैक काले हैं, अभी भी हैं, और कुछ ऐसे जो तो काले और थोड़ा गोरे मिक्स हैं, उनको कलर्ड कहा जाता था, और जो एकदम गोरे थे उनको वाइट कहा जाता था, वाइट कहा जाता है भी, सॉरी. तो ये कंडीशन वहाँ पर थी, एक स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रक्चर हमें देखने को डिस्क्रिमिनेटिव स्ट्रक्चर हमें देखने को अफ्रीका में मिल रहा है वो ये है. अभी डेमोक्रेसी तो लोग, क्योंकि इस समय तक दुनिया में लगभग काफ़ी डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई थी, कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर आने लगी थी, तो एक रिवोल्ट, एक जो सप्रेसिव और ऑप्रेसिव पॉलिसी थी ब्रिटिश की या वाइट की, वो उसके अगेंस्ट एक आंदोलन शुरू हो जाता है भारत वहाँ पर. ठीक है, वहाँ पर शुरू हो जाता है. अब यहाँ पर एक बहुत माने जाने लीडर रहे हैं, नेल्सन मंडेला. मंडेला जो कि बाद में 1994 में प्रेसिडेंट भी बनते हैं, अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट. ठीक है, इनके लीडरशिप में रिवोल्ट वहाँ पर हमें देख, वहाँ पर रिवोल्ट होता है अंग्रेजों के अगेंस्ट, कि भैया जैसे हमारे देश में भी इसी समय चल रहा है. ठीक है, इसी समय हमारे यहाँ गांधी जी के लीडरशिप में चल रहा है, तो लेकिन गांधी जी के वो समकालीन नहीं थे, गांधी जी के बाद के रहे हैं. तो साउथ अफ्रीका में और अफ्रीकन, यहाँ पर एक पार्टी भी बनी, ए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी के मेंबर वहाँ के लोग
ये लीड करती थी, ये अपने जनता के जो भी वो थे वो उसके अगेंस्ट काम करती थी। अब धीरे धीरे जब पार्टी बन गई और कुछ टॉप लीडर आ गए तो स्ट्रगल शुरू हो जाता है पूरे अफ्रीका में, किसके अगेंस्ट? अपार्थेड के अगेंस्ट, रंग भेद के अगेंस्ट, कि भैया हम लोग ब्लैक हैं, आप हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं, हमारे ही साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई इक्वल राइट नहीं, कोई पॉलिटिकल राइट नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनको नहीं दिया गया था, इसके अगेंस्ट स्ट्रगल शुरू हो जाता है लगभग 1962 से, ठीक है, 1962 से, या आप मान सकते हैं कि लेट मिड ऑफ 20th सेंचुरी ये शुरू होता है रंगभेद का। तो काफ़ी लोगों को प्रेजेंट कर दिया जाता है, यहाँ पर नेल्सन मंडेला को 28 ईयर्स के लिए 1964 में इनको क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, लगभग 29 ईयर्स के लिए। फिर ये मूव आउट होते हैं, कम आउट होते हैं 1992 में, ठीक है, फिर 1994 में इलेक्शन होता है तो ये प्रेसिडेंट बनते हैं। तो अगेंस्ट अलग अलग तरीके से, अब यहाँ पूरे वहाँ के इतिहास को नहीं पढ़ने जाएंगे, लेकिन हम ये सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेटिव अनकंट्रोल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पीपल जो हैं, पीपल ऑफ एनी कंट्री एंड पीपल्स ऑफ वर्ल्ड, पीपल ऑफ एनी कंट्री क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और स्पेशली इन अफ्रीका वी आर लुकिंग हियर दैट दे वर रिवोल्टेड अगेंस्ट एप्रेसिव पॉलिसी एंड एप्रेसिव रूल ऑफ वाइट एंड स्पेशली अगेंस्ट अपार्थेड। और फिर वो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, और 1994 में 26 इस डेट को याद रखना, 26 अप्रैल 1994 को क्या होता है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन करके अफ्रीका का तैयार होता है। और अफ्रीका का ये कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया को एक बहुत अच्छी एक जो समझ देता है, यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने ये भी कहा है कि उनका स्पीच उसमें दिया भी है, उसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ, कि हम पे सदियों तक किसी ने शासन किया है, अब हमारे भाग्य में हमें एक आज़ादी लिखी है, हम इस आज़ादी को सभी में बांट करके वो करेंगे, हम उस इतिहास को दोहराएंगे नहीं। एक अगर उसको जनरल लैंग्वेज बताए कि मतलब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया तो ऐसा मतलब नहीं कि हम उनको भगा करके फिर यहाँ पर किसी एक कम्युनिटी को ही पावर बना करके दूसरे को सप्रेस करेंगे, हम इवन उन वाइट को भी सेपरेट नहीं करेंगे, उनको भी हम क्या करेंगे, समान समझेंगे। यानी हमारी फ्यूचर, हमारी जो जनरेशन होगी वो उस पुरानी हालात को याद करके ये नहीं, बदले की भावना या ऐसी कोई चीज़ नहीं आएंगी, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, अफ्रीकी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, जो शुरुआत है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक बेहतरीन आइडियल देता है, टेक्स्ट बुक में आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, अब यहाँ मैं बता नहीं पाऊँगा। तो इस तरीके से हम एक चीज़ को देखने हम समझे हैं बेटा कि भाई देखो, ऐसे ही अफ्रीका की तरह नए नए, और 1994 में एक न्यू कंट्री आया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री आया, एज एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इसी तरीके से दुनिया में और भी कंट्री, जैसे भारत में भी आप देखो कि हम किस तरीके से लगभग 300-400 सालों का हमने एक सप्रेशन सहा ब्रिटिश पावर का, और फिर हमने 1947 में हमने आज़ादी पाई, फिर हमने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आज इन रिसेंट वी आर अंडर कंट्रोल आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग एंड प्रोवाइड राइट एंड एक्ट एज अ सेफ गार्ड ऑफ सिटीजन एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशन बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल गवर्नमेंट एंड ट्राई टू कंट्रोल गवर्नमेंट टू बिकमिंग आर्बिट्ररी पावर अनकंट्रोल्ड पावर, ओके। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का। हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे कि व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत को क्यों होती है,
थोड़ा सा हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बातें, अंदर की बातों को समझने के प्रयास करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। फिर हम अगली बार जब पढ़ेंगे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे उसको फ्रेम किया गया, कितना टाइम लगा और कौन कौन सी मीटिंग्स हुई, कब शुरुआत हुआ, कब वो बन करके तैयार हुआ, और उसके फीचर्स को हम पढ़ेंगे, उसके प्रीएम्बल को भी हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का हम अलग से उसका स्टडी करेंगे कि हमारा प्रीएम्बल क्या बताता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।